सो है गाइस, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। एंड आज हम है कामाख्या टेम्पल पे। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, एंड अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर आप लोग गाइस गुवाहाटी आते हो तो कामाख्या टेम्पल को विजिट करने के लिए आप लोगों को, मतलब अगर आप कैब से आते हो डायरेक्टली, आप बोल सकते हो कि कामाख्या टेम्पल ले चलो, ठीक है। तो वो आपको लेके आएगा, एंड मतलब वो आपको डायरेक्टली ऊपर नहीं पहुँचाएगा, ये पहाड़ी इलाका है तो आपको जाना पड़ेगा चढ़कर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा सीन है, आपको मतलब थोड़ा सा नीचे ही आपको रुका देगा वो कैब वाला, या फिर जिससे भी गाड़ी से भी आप आते हो, एंड देन उसके बाद आपको चल के जाना पड़ेगा ऊपर, जैसे कि हम लोग अभी जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, मतलब बहुत क्या बोलते हैं पहाड़ी इलाका में, तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा ऊपर की तरफ, देन उसके बाद ही आप लोग एकदम मेन टेम्पल तक पहुँच सकते हो। अभी गाइस हम लोग देख सकते हो कि चढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे जैसे आप लोग थोड़े और अंदर आओगे, उसके बाद आप लोगों को जो भी आपका मतलब अभी कोविड की वजह से मतलब आपको थोड़ा जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि इधर हम लोग दिखाया। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे मतलब आप लोगों को बिना सर्टिफिकेट की एंट्री नहीं दिया जाता है, जो भी आपका अगर आपने फर्स्ट डोज या फिर सेकेंड डोज नहीं लिया है तो आपको एंट्री नहीं दिया जाता है। देन उसके बाद आपको चेकअप भी करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप बैग वगैरह लेके आए हो तो चेक इन करना है इधर। एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हो जैसे कि मेरा कर रहा है। देन उसके बाद गाइस सबको सॉर्ट आउट होने के बाद आप इजीली मेन गेट के अंदर आ सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोगों को गाइस देखने के लिए मिलेगा कामाख्या टेम्पल, जो कि ये रहा, ठीक है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, कामाख्या टेम्पल मतलब बहुत ज़्यादा पुराना टेम्पल है, लाइक प्राचीन समय से ही है, ठीक है, बहुत मानते हैं लोग इनको। एंड गाइस यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया से मतलब कोने कोने से लोग आता है, ठीक है, इस टेम्पल को विजिट करने के लिए, कि यहाँ पे क्योंकि गाइस यहाँ पे 51 जो शक्तिपीठ गिरा था धरती में, तो 51 शक्तिपीठ में से गाइस एक शक्तिपीठ यहाँ पे भी गिरा था। एंड गाइस इसका मैं आप लोगों को फुल स्टोरी बता दूंगा, ठीक है, क्या कुछ कामाख्या माता का स्टोरी है, मतलब यहाँ पे इस कामाख्या टेम्पल का क्या कुछ पुराना स्टोरी है, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो हाँ, जरूर से वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर गाइस आप लोग आसाम आते हो तो यहाँ पे जरूर से विजिट करना, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे क्या कुछ चीजें वगैरह है, एंड क्या कुछ आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो कामाख्या टेम्पल में, एंड क्या कुछ गाइस इसमें बिलीव्स है, क्या कुछ मतलब यहाँ पे जो भी हिस्ट्रिकल चीजें वगैरह है, ठीक है, सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा आज के इस ब्लॉग में। तो गाइस अभी जो ये मंदिर देख रहे हो आप लोग, मतलब यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मतलब अगर आप खुले मन से पैसा अगर लटकाओगे तो लटक जाएगा, ठीक है। तो मैंने लटकाया अभी देखा लटक गया, तो ऐसा सीन है। एंड अगर आपका थोड़ा सा भी मन में मतलब कुछ भी है शंका वगैरह तो नहीं लटकेगा, ठीक है, तो ऐसा सीन है। एंड मतलब बहुत मानती मतलब मूर्ति है बोल सकते हैं आप लोग। अभी मैंने गाइस चढ़ाया, मेरे को भी डर लग रहा था कि भाई लगेगा कि नहीं लगेगा, बट हाँ लग गया, ठीक है। तो अगर आप आसाम आ रहे हो तो यहाँ पे कामाख्या मंदिर को विजिट करना, एंड स्पेशली यहाँ पे ट्राई एक बार जरूर से करना। अगर कोइन भी हो या फिर कोई भी मतलब नोट वगैरह हो, अगर आप छपकाओगे तो फिर छपक जाएगा, ठीक है। तो मैंने उधर लटकाया था, उधर तो लग गया था, बाकी किसी किसी बंदे का गिर जाता है, तो जिसका गिर जाता है कि बोला जाता है कि उसका कुछ मतलब शंका वगैरह था मन में, तो इसीलिए मतलब अच्छे मन से सच्चे मन से नहीं दान किया, मतलब सच्चे मन से नहीं लटकाया उधर, इसीलिए वो गिर जाता है, तो ऐसा सीन है इधर, माना जाता है ऐसा। एंड हाँ, बहुत बिलीव है इसमें। तो जो भी बंदे को पता नहीं है कामाख्या टेम्पल का स्टोरी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे सीन ऐसा था कि जब माता सती मतलब प्रजापति दक्ष का पुत्री माता सती यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ, भगवान जब महादेव ने मना किया था जाने के लिए, ठीक है, बट क्या बोलते हैं माता सती ने चले गए थे, ठीक है। तो फिर जब वो चले गए थे, एंड उसके बाद जो प्रजापति दक्ष था उनका पिता, वो अपमान कर दिए थे भगवान शिव का। एंड उसके बाद जो माता सती थे वहाँ पे, वो अग्नि भस्म कर लिए थे अपने आप ही। देन उसके बाद क्या हुआ, जो भोले बाबा हमारे महादेव वो पागल सा हो गए, मतलब फिर उसके बाद वो आए माता सती को उठाए, उसके बाद ब्रह्मांड में लेके मतलब वो क्या करने लगे कि तांडव करने लगे, ठीक है।
फिर उसके बाद देश खत्म सा ऐसा, मतलब बहुत वो क्रोध हो गए थे एंड उसके बाद ऐसा सीन चालू हुआ था। फिर उसके बाद भगवान विष्णु एंड भगवान जो ब्रह्मा थे वो दोनों ने डिसीजन लिया कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, मेरे को याद है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र से माता सती का मतलब शरीर को काट दिया था, ठीक है, वो काट दिया था एंड उसके बाद वो 51 अंग मतलब 51 पार्ट्स गिरे थे धरती पे एंड 51 पार्ट्स में से एक पार्ट इधर ही गिरा था कमरका टेम्पल में, ठीक है। एंड कमरका टेम्पल में एक खासियत है कि यहाँ पे जो कमर का पार्ट होता है मतलब माता सती का कमर का पार्ट यहाँ पे गिरा था, ये जो आप लोग देख रहे हो ना अभी, मतलब ये जो देख रहे हो इसके अंदर ही है, ठीक है, इसके अंदर ही गिरा था एंड मतलब बहुत माना जाता है इसको कमरका टेम्पल को। अगर आप लोग असम आ रहे हो तो यहाँ पे विजिट ज़रूर से करना एक बार, मतलब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा आइडिया है, इसके अंदर ही है, जाना नहीं देते अभी उधर से, बहुत लॉन्ग लाइन है इसीलिए हम लोगों ने विजिट नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा, अभी अगर हम लोग चलेंगे तो फिर शाम के 6-7 बज जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत लंबा लाइन है इसीलिए हम गए नहीं, बट हाँ इसके अंदर ही है ना, पता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इधर गौर लाग लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं, एक काम करा वीडियो। तो गाइस ये है फुल व्यू कमाख्या टेम्पल का, यहाँ पे देख सकते हो एंड मस्त है यार, कुछ भी बोलो, ऊपर से तो मस्त लग रहा देखने में। चलो अभी हम लोग एक क्या बोलते हैं उसे पोंड, हाँ एक पोंड पे जाते हैं, उस पोंड में बहुत सारे मछलियाँ हैं, चलते हैं मज़ा आएगा। बाय ওই তাৰ কাৰণে কিবা অ প্ৰটিনটো মোৰ সেইটো আচ্ছা নহয় দাঁতৰ কাৰণে কিবা দানা দিলে কেনেকৈ আহি যায় নহয়, হয় নাই দানা দিলে আহি যায় নহয়, চাকে আহি যায় চলো ও দেখো ভাই ভিউ পাদ ভিউ ব্ৰো वो देखो भाई देख रहे हो वो क्या है मछली, देखो कितने सारे हैं वो। ओके तो गाइस यहाँ पे मतलब अभी हम आ चुके हैं, दर्शन वगैरह करके, ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, यहाँ पे कामाख्या मंदिर हम लोगों ने घूम लिया है ना। अगर आप लोग आसाम आ रहे हो या फिर कोई भी बंदा आसाम से हो, मेरे व्यूअर्स बहुत सारे आसाम से मेरे को पता है, तो यहाँ पे गाइस आ सकते हो आप लोग एंड मज़ा आएगा आप लोगों को लिटरली है ना। अभी अगर आप लोग कहीं पर भी मतलब कभी भी आसाम आ रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करना एक बार, कामाख्या टेम्पल मस्त जगह है एंड आपका मन शुद्ध हो जाएगा, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेगा, हिस्ट्रिकल चीज़ें जो हमारे धरती में हो चुके हैं, नासा में बहुत सारे ऑलरेडी है ही। तो यार गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना को एंड वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से बनाए वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय एंड लव यू।